तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमर और स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस टाइप का वीडियो जिसका हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, इस टाइप का वीडियो आप लोग बहुत सारे चैनल पे देखे होंगे। लेकिन देखिए, एक होता है ना कि आदमी के लिए एक विश्वास पैदा जब हो जाता है कि नहीं, ये बंदा सही काम कर रहा है तो अच्छा है, वही आदमी जब कुछ टाइम में यानी कि दलदल से निकल के बाहर आता है, फिर आदमी दलदल में फंस जाता है। तो उस आदमी पे भरोसा करना अब जो है ना, एक होता है कि अपने ही गाल पे अपने से ही चप्पल मारने के बराबर है, ठीक है। और ये जो बंदा है जिसका नाम है विकास पांडे, काम क्या कर रहा है, पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था, इसके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, लेकिन इन्होंने अपने ही गाल पे अपने से तमाचा मारने का काम किया है, अपने से चप्पल मारने का काम किया है। क्योंकि पहले इनका वीडियो कुछ बेहतरीन रहता था, हेल्पिंग टाइप का रहता था, चलिए कहने का मतलब गलत रहता था, यानी कि वीडियो सही नहीं रहता था, ड्रामा रहता था और कुछ नहीं रहता था। लेकिन कुछ टाइम ये घर पे काम किया, इसका घर का वीडियो जो है ना वो बेहतर था, क्योंकि गाँव में जेन्युइन मुद्दा पे ये बात करता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब फिर वापस दिल्ली आता है तो फिर उसी तरह से गंदगी मचाना स्टार्ट कर देता है। इसका वीडियो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, ये इस लड़की को क्या बोल रहा है कि आप अगर चाहिएगा तो हम ऑन कैमरा आपको टच कर सकते हैं। विकास पांडे भाई, क्या हमको तो लगता है आपकी शादी तो हो ही चुकी है, आप अपनी बीवी को नहीं टच करते हैं क्या? ऐसे अपने बीवी को टच कीजिए, उसको वीडियो बनाइए, उसको यूट्यूब पे डालिए, ठीक है। और अंकिता, इसकी बहुत ज़्यादा लोग तारीफ करता है, बहुत कुछ कहता है कि बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। इसके साथ जो है ना बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, एकदम लाइव वीडियो दिखाना चाहिए इन लोगों का, ठीक है, और वही सही रहेगा। सुजीत क्या कहते हैं, विकास पांडे इसको डायरेक्ट टच करके, विकास पांडे तुमसे एक चीज़ कह रहा है, अंकिता को डायरेक्ट टच करो, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वीडियो अपलोड करो। जैसे जैसे इस लड़की को अंकिता टच कर रहे हैं, वैसे तू उसको टच करो और वीडियो अपलोड करो, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा व्यू जाएगा, 10-20 मिलियन तो व्यू जा ही जाएगा, ठीक है। इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में, लोगों को लूटने के चक्कर में पड़े रहते हो, कुछ करो ऐसा, नहीं तो एडल्ट साइट है जिसपे कहने का मतलब डायरेक्ट वीडियो अपलोड करो, बहुत ज़्यादा लोग देखता है, लगभग 100 मिलियन 200 मिलियन लोग देखता है। और अंकिता की वीडियो अगर वहाँ पर अपलोड करोगे ना 500 मिलियन लोग देखेगा, शर्म भी नहीं आता है इन गधों को, शर्म नहीं आता है क्या? क्या कहे यार, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है।